बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इससे कबल हम 6.1 और 2 को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 6.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन कैन वीव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन ही वीव इन 14 आवर्स। एक आदमी है जो कि 450 मीटर कपड़े को सी लेता है, ठीक है, 6 आवर्स में, 6 घंटे में। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वीव इन 14 आवर्स? तो बताइए कि वो 6 आवर के बजाय अगर 14 आवर्स उसे दिए जाएं, तो वो 450 मीटर के बजाय कितने मीटर क्लॉथ कपड़े को वीव कर सकेगा, ठीक है। उसने हमसे यहाँ पे देखें, उसने हमें कहा है कि 450 को वो 6 आवर में करता है, तो बताइए कि 14 आवर्स में वो कितने मीटर कपड़े को वीव कर सकेगा, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो 6 आवर में इतना करता है तो 14 आवर्स में वो ज़्यादा मीटर का कपड़े को वीव कर सकेगा ना। तो लिहाजा हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, क्लॉथ इन मीटर रेशो आवर्स, मीन्स के टाइम, टाइम आवर्स में है, ठीक है। तो पहले कितने कपड़े को वीव करता है, 450 मीटर कपड़ा है, रेशो कितना टाइम उसे इतने कपड़े को सीने में लगता है, 6 आवर्स। तो यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे 6 आवर। उसके बाद उसने हमें कहा है कि अगर टाइम हम 14 आवर्स कर दें तो कितने मीटर वो कपड़े को वीव कर सकेगा। टाइम हमने 14 आवर कर दिया और ये हमने फाइंड करना है कितने मीटर वो 14 आवर में इसको वीव कर लेगा। तो ये देखें यहाँ पे आवर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 6 आवर में वो इतने कपड़े को वीव करता है तो 14 आवर्स में वो इससे कहीं ज़्यादा कपड़े को वीव कर सकेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसका मतलब है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम दोनों एरो ऊपर की जानिब शो कराएंगे, ठीक है। तो ये देखें कि उसके अलावा ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरफ को हमारा एरो का हेड होगा वो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में आएगी, नीचे आएगी, और दूसरी वैल्यू हमारी ऊपर आएगी, ठीक है। 450 ये हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी तरफ एरो का हेड है, और दूसरी वैल्यू हमारी ऊपर आ जाएगी, इज़ इक्वल डालेंगे। और यहाँ पे भी देखें एरो का हेड किस जानिब है, 6 की तरफ, तो 6 नीचे आ जाएगा और 14 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 को 450 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। अब ये देखें ये 6 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई 14 ओवर 6, ठीक हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 3 टाइम 6 और 2 7 टाइम 14। उसके बाद देखें कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 1 कैरी, 3 5 टाइम 15 और 3 15 टाइम 45 और इस तरह 3 150 टाइम 450। अब ये 7 को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 7, 70 टाइम 0, 75 टाइम 35, 5 3 कैरी और 71 टाइम 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से 1050 मीटर क्लॉथ को वो 14 आवर्स में वीव कर लेगा, ठीक है। 6 आवर्स में वो 450 करता है, तो 14 आवर्स में वो कितने क्लॉथ को वीव कर लेगा, 1050 मीटर क्लॉथ को वो वीव कर लेगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, इफ़ अ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ्स, एक रोड है जो कि 9 मंथ्स में 162 किलोमीटर तक बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। अब ये देखें यहाँ पे रोड की लेंथ कितनी है, 162 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी
बाद में वो कितनी बता रहा है, 306 किलोमीटर की। वो कहता है कि अगर हमें इतने किलोमीटर रोड बनाना होगा तो उसको बनाने के लिए हमें कितने माह लगाना पड़ेंगे, कितने माह कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रोड की लेंथ बढ़ गई है, यहाँ 162 है तो यहाँ कितनी होगी, 306। तो रोड की लेंथ बढ़ने से जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इतने किलोमीटर का रोड 9 मंथ्स में बन रहा है तो फिर 306 किलोमीटर का रोड ज़्यादा टाइम में बनेगा। तो ये देखें, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से जो मंथ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बिटवीन द लेंथ एंड द टाइम पीरियड। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं, रोड लेंथ लिख लेते हैं, रोड लेंथ, और ये किस में है, मीटर में, ये किलोमीटर में, यहाँ पे हम किलोमीटर उसका यूनिट साथ मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट पे, रेशो, उसके बाद क्या है, टाइम पीरियड है, तो हम यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं, टाइम पीरियड मंथ। ठीक हो गया, तो सबसे पहले उसने कितनी लेंथ हमें बताई है, 162, तो हम यहाँ 162 लिख देंगे, किलोमीटर, रेशो, कितने मंथ में ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है इसकी, 9 मंथ्स में, तो यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद उसने क्या कहा है, 306 किलोमीटर का रोड, 306 किलोमीटर रोड हमने कितने माह में बनेगा, तो ये जितने माह हमने फाइंड करने हैं उसके लिए हम एक्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम एरो के जो साइंस हैं उनको ऊपर की जानिब रखेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर की जानिब एरो हैं ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब इसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि जिधर हमारा एरो का हेड होगा उस वैल्यू को नीचे लिखते हैं, और जिधर एरो की टेल होती है उस वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं। इसी तरह एरो का हेड जो है वो 9 की जानिब है तो 9 नीचे आएगा, और टेल एक्स की जानिब है तो एक्स ऊपर आ जाएगा। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, 162 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, और 306 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। ठीक हो गया, अब 306 ये 162 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 162 x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 9 ओवर 162। ठीक है, 306 मल्टीप्लाई 9, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया, 306 मल्टीप्लाई 9 ओवर 162। अब इसकी कैंसिलेशन देखें कर लेते हैं, ये दोनों किस टेबल से, 2 टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 15 टाइम 30 और 2 3 टाइम 6, इस तरह 2 8 टाइम 16 और 2 1 टाइम 2। अब ये देखें 9 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 1 टाइम 9 और 9 9 टाइम 81। अब क्या आ गया हमारे पास नंबर, x इज इक्वल टू 153 ओवर 9। अब ये देखें दोबारा से ये 3 के टेबल से दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 3 3 टाइम 9, 3 5 टाइम 15 और 3 1 टाइम 3। अब ये दोबारा से देखें कैंसिल हो जाएंगी, 51 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 5 से 3 माइनस किए 2, इस तरह से 3 7 टाइम 21, तो क्या आंसर आ गया, 17। ठीक है, तो x को अगर हम 3 1 टाइम 3 और 3 17 टाइम 51, तो हमारा x का क्या आंसर आ गया, 17। ठीक हो गया, तो इस तरह से अगर हम जो है वो 162 किलोमीटर का रोड 9 मंथ्स में बनता है तो 306 किलोमीटर का रोड कितने मंथ्स में बनेगा, 17 मंथ्स में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 540 men can construct building in 7 months। 540 आदमी एक बिल्डिंग को 7 माह में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसकी तामीर कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव्ड फ्राम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। तो वो कह रहा है कि अगर बिल्डिंग को 7 माह के बजाय हमने 9 मंथ्स में मुकम्मल करना हो तो इतने आदमियों से कितने आदमी हमें कम करना पड़ेंगे, रिमूव करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ 7 मंथ्स के बजाय क्या हो गए हैं, 9 मंथ हो गए हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है और दूसरी क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज़ हो जाएगी। 540 मैन के बजाय हमें थोड़े आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और दूसरी डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए। एक बढ़ रही है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है और आदमियों की तादाद कम हो जाएगी,
कम करना पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में कौन सा प्रोपोर्शन होता है इन वर्ड्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ कौन सा प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है। अब इसके डाटा को लिख लेते हैं। हमारे पास जो मेन है, पहले मेन रेशो मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। आदमी और उनके काम करने का जो टाइम पीरियड है, कितने मैन है पहले 540, 540 लिख दिया। रेशो मंथ कितने हैं, 7 मंथ्स, तो ये 7 मंथ हमने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव्ड, तो ये मैन हमने फाइंड करने हैं, तो ये एक्स आ जाएगा। और टाइम उसने बता दिया कि 9 मंथ्स में हमने इसको कंप्लीट करना है, 7 नहीं बल्कि 9 मंथ्स में इसको कंप्लीट करना है। तो 540 में से हमें कितने आदमी को रिमूव करना पड़ेगा, तो ये चूँकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो लिहाजा हम एक एरो इसका नीचे को ले लेंगे और एक एरो ऊपर को ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो एरो एक नीचे को एक ऊपर को, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिधर एरो का हेड होगा वो वैल्यू हमारी नीचे आएगी और दूसरी वैल्यू ऊपर आएगी। इसी तरह से यहाँ वैल्यू का हेड 7 की जानिब है तो 7 नीचे आएगा और 9 ऊपर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया, और 540 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। अब ये देखें ये इसके साथ क्या कर रहा है, 9 मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 540 मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 540 के टेबल में जो है वो हमारा 9 के टेबल में 540 आता है क्या, 9 6 टाइम 54, तो इस तरह से ये देखें 9 के टेबल में अगर हम 9 का टेबल 60 टाइम पढ़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 टाइम 9 और 9 60 टाइम 54, तो रिमेनिंग क्या है 60 मल्टीप्लाई 7, तो 60 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 टाइम 42 आ जाएगा। तो इस तरह 420 मेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि इतने आदमी हमें चाहिए होंगे अगर हमने 9 मंथ्स में अपने काम को मुकम्मल करना है। पहले 540 थे तो अब चूँकि टाइम पीरियड 7 मंथ्स के बजाय 9 मंथ्स हो गया है, तो 540 के बजाय कितने की ज़रूरत होगी, 450 आदमी की ज़रूरत होगी। 3 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 40 मिनट्स। अस्मा जो है वो 5 शर्ट्स को 14 मिनट्स में इस्त्री कर लेती है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। यहाँ शर्ट्स कितनी हैं, 5, और अब कितनी हो गई हैं, 35। शर्ट्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। 5 शर्ट्स को वो 14 मिनट्स में इस्त्री कर लेती, तो जाहिर सी बात है 35 शर्ट्स को वो ज़्यादा टाइम में इस्त्री करेगी ना, इसको इनको इस्त्री करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम दरकार होगा। तो देखें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, शर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स रेशो टाइम, ठीक है, और टाइम किस में है, मिनट्स में है। और शर्ट्स कितनी हैं पहले 5, और ये कितने टाइम में वो प्रेस कर देती है, 14 मिनट्स में। और अब शर्ट्स कितनी हो गई हैं, 35, और ये हमने फाइंड करना है कि वो 35 शर्ट्स को कितने टाइम में आयरन कर लेगी, ठीक है। तो देखिए शर्ट्स इंक्रीज़ होने से शर्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, तो 5 शर्ट्स अगर 14 मिनट में वो प्रेस करती है तो जाहिर सी बात है 35 शर्ट्स के लिए उसे ज़्यादा टाइम दरकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन फिर आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसी सूरत में हमें एरो ऊपर को लगाने होते हैं, और जिधर एरो का हेड है उसे हमें डिनोमिनेटर में लेना है और दूसरी वैल्यू को ऊपर। इसी तरह जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू नीचे, जिधर एरो की टेल है वो वैल्यू ऊपर। अब हमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, और 35 मल्टीप्लाई 14, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 14/5, तो 5 1 टाइम 5 और 5 7 टाइम 35। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 टाइम 28, 8 2 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 2 9, क्या आ जाएगा, 98 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो 5 शर्ट्स को 14 मिनट्स में आयरन करती, इस्त्री करती है, तो 35 शर्ट्स के लिए उसे 98 मिनट्स लगेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
नंबर फाइव पे जाने से कबल हमें क्वेश्चन नंबर थ्री में थोड़ी करेक्शन करनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव्ड, ये बताने कि कितने रिमूव किए जाएंगे। तो ये जो 540 थे ना और ये जो 420 आए थे, हमें 540 से इस 420 को माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने आदमी उन्हें रिमूव करने पड़ेंगे। रिमूव्ड मैन इज इक्वल टू 540 पहले थे और 420 जो है वो हमें इसके में से माइनस करने हैं, तो आंसर आ जाएगा 120 मैन। ठीक है, इतने आदमी उन्हें 540 में से रिमूव करके तो काम पे लगाने होंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में 98 मिनट्स आए थे, तो 98 मिनट्स में से हमारे पास अगर हम इसको आवर्स में चेंज करते हैं, तो 98 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 98 में अगर हम 60 माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8:38। ठीक है, तो इस तरह से 98 मिनट्स के अंदर हमारे पास 1 आवर, ये जो 60 मिनट हैं, 1 आवर और 38 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, लेकिन इसको अगर हम आवर और मिनट्स में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो है 12 वाटर पंप्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी। पानी की जो वाटर पंप्स लगी हुई हैं वो 12 जो लगी हुई हैं वो पानी के टैंक को 20 मिनट में खाली कर देती हैं, एम्प्टी कर देती हैं। बट टू पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर टू पम्प्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प्स टेक टू मेक द टैंक एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि पहले हमारे पास जो पंप की क्वांटिटी है वो है 12, तो टू जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, तो पंप्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है, पंप्स की क्वांटिटी अगर कम हो गई है तो फिर 20 मिनट के बजाय ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें पानी को पंप करके जो टैंक है उसे एम्प्टी करने में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो देखेंगे हमारे पास जो पहले पंप्स हैं, यहाँ पे हम पंप्स की क्वांटिटी लिखेंगे, रेशो टाइम लिख लेते हैं मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पंप्स की क्वांटिटी है पहले वो कितनी है, 12 पंप्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, रेशो टाइम कितना है, 20 मिनट्स। और अब उसने कहा है कि 2 पंप्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, तो 12 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और रेशो ये हमने टाइम फाइंड करना है, तो चूंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लिहाजा हम एक एरो का साइन ऊपर को लेंगे और एक एरो का साइन नीचे को ले लेंगे। इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखें, जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू हमें नीचे लेनी है डिनोमिनेटर में, और दूसरी को ऊपर लेना है। इसी तरह जिधर वैल्यू का हेड है उसे हमें नीचे लेना है और दूसरी वैल्यू को ऊपर लेना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 10 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 20 ओवर 10, 10 1 टाइम 10 और 10 2 टाइम 20, और इस तरह से 12 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और 12 2 टाइम क्या आ जाएगा, 24, 24 मिनट्स, 24 मिनट्स, 12 2 टाइम 24 मिनट्स। तो ये देखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास 12 पंप्स हों तो वो 20 मिनट में अगर एक काम करते हों तो 10 पंप्स करने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और 20 मिनट के बजाय वो काम 24 मिनट्स में होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 है, 14 हॉर्सेस ग्रेज अ फील्ड इन 25 डेज, 14 गोरे हैं जो कि 25 दिन के लिए एक खेत के अंदर चरते हैं, वहाँ से घास वगैरह खाते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 35 हॉर्सेस ग्रेज इट, और उसी खेत के अंदर जो घास पड़ी हुई है उस घास को अगर 35 हॉर्सेस हो जाएं, 14 हॉर्सेस के बजाय 35 हॉर्सेस हो जाएं, तो उसी घास को वो कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये देखें हॉर्सेस की क्वांटिटी बढ़ गई है ना,
तो ये थोड़े दिनों में फिर ख़त्म हो जाएगा घास, ठीक है। वही घास जो 25 दिनों में 14 हॉर्सेस गाते हैं, अगर 35 हॉर्सेस हो जाएंगे तो घास कम पड़ जाएगी, तो लिहाजा वो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, हॉर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। 14 हॉर्सेस हैं और वो 25 डेज जो हैं वो खेत के अंदर ग्रेज करते हैं, ठीक है, चरते हैं। और अगर वो कहता है कि हॉर्सेस की क्वांटिटी 35 हो जाए, ठीक है, तो बताइए कि कितने डेज के लिए वो उसको चारे को खा सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो डेज जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये एक एरो ऊपर को लगाएंगे, एक एरो नीचे को। यहाँ लिख लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन के साथ जो है वो इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, 14 नीचे लिखेंगे और 35 ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो इसका जिधर इसका हेड है उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे और जिधर इसकी टेल है उस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें कि जहाँ पे इसका हेड है उसको हमने नीचे और जिधर इसकी टेल है उसको ऊपर लिख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 को 25 से। तो एक्स को 35 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 35x, और 14 को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखेंगे 35 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 25 ओवर 35 आ जाएगा। तो देखें ये सारी वैल्यूज़ किससे कैंसिल होती हैं, 5 की टेबल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 5 7 टाइम 35 और 5 5 टाइम 25। उसके बाद देखें 7 1 टाइम 7 और 7 2 टाइम 14, तो क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा, 10। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो हैं वो 14 हॉर्सेस के बजाय 35 हॉर्सेस हो जाएं, तो जो फूड 25 डेज के अंदर 14 हार्ड्स जो हैं हॉर्सेस ख़त्म करते थे, वही फूड 35 हॉर्सेस जो हैं वो 10 डेज में उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि अगर तो एक मैसन जो है वो कैन रिपेयर आ 744 मीटर लॉन्ग ट्रैक इन 24 डेज। एक जो मिस्त्री है वो 744 मीटर लॉन्ग ट्रैक जो है वो 24 डेज के अंदर बना लेता है, रिपेयर कर लेता है, ठीक है। इफ़ ही रिपेयर्स 589 मीटर ट्रैक, और अगर उसे 589 मीटर ट्रैक इसमें से रिपेयर करना हो, देन फाइंड हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। तो फिर उसे वो जो रिमेनिंग ट्रैक है उसको रिपेयर करने में कितना टाइम दरकार होगा। तो सबसे पहले हमें इस 744 से 589 को जो है वो माइनस करके रिमेनिंग ट्रैक फाइंड करना होगा। यहाँ हम लिख लेंगे रिमेनिंग ट्रैक, रिमेनिंग ट्रैक। तो रिमेनिंग ट्रैक क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये 744 है उसमें से हम माइनस कर देंगे 744 में से 589 को, 744 माइनस 589। तो इसको माइनस कर देते हैं, 744 माइनस 589। तो ये देखें 4 से 9 माइनस नहीं होंगे, हम यहाँ से कैरी लेंगे 14, 14 से 9 माइनस करेंगे 5, इधर रिमेनिंग 3 रह गए, इधर से कैरी लेंगे 13, 30 से 8 माइनस किए 5, यहाँ रिमेनिंग 6 रह गए, 6 से 5 माइनस किया तो 155 आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक पहले कितनी थी, लेंथ ऑफ द ट्रैक कितनी थी, 744 मीटर लॉन्ग थी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और वो कितने डेज़ में वो रिपेयर कर रहा था, 24 डेज़ में, तो यहाँ हमने 24 डेज़ लिख दिए हमने हैं। और उसके बाद अब लेंथ कितनी रह गई है उसकी, रिमेनिंग 155, ठीक है। और ये हमने फाइंड करना है कि कितने डेज़ में वो इसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखें कि अब हमें ट्रैक जो है वो एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, पहले ट्रैक था 744 मीटर का, ठीक है, अब ट्रैक हो गया 155 मीटर का। तो देखिए 744 मीटर के ट्रैक को 24 डेज में वो रिपेयर करता था, अब ट्रैक की लेंथ कम हो गई है तो जाहिर सी बात है वो थोड़े दिनों में ही इसे कंप्लीट कर लेगा। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज होने से दूसरी भी कम हो जाएगी, तो ऐसे प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें एक क्वांटिटी
डिक्रीज होने से दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, साथ मेंशन कर देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जिधर एरो का हेड है उस वैल्यू को नीचे लिखा और दूसरी वैल्यू को ऊपर, 155 ऊपर आ गया। इसी तरह इस वैल्यू का हेड इधर है, उस वैल्यू को नीचे और एक्स को ऊपर, ठीक हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखें, हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 155 से, और 744 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, और 155 को मल्टीप्लाई 24। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 744, 155 मल्टीप्लाई 24। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये देखें, दोनों किस टेबल से कैंसिल हो जाएंगी ये वैल्यूज़। 2 के टेबल से 212 टाइम 24, 23 टाइम 6, 27 टाइम 14 और 22 टाइम 4। अब ये दोबारा से देखें, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी, 26 टाइम 12, 218 टाइम 36, 1 कैरी आगे हुआ 12, 26 टाइम 12। उसके बाद ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगी, 61 टाइम 6, 63 टाइम 18 और 61 टाइम 6, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया, 155 ओवर 31, ठीक हो गया। तो ये देखें, अब ये क्या दोनों टेबल से कैंसिल हो सकती हैं, अगर हम इसको 31 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 51 टाइम 5 और 53 टाइम 15। जी हाँ, 31 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करते हैं तो 155 आ जाएगा, 31 वन टाइम 31, 31 5 टाइम 155, ठीक है। तो 5 डेज के अंदर वो इस 155 मीटर की लेंथ के ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा, ओनली 5 डेज के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ फार्मर कैन प्लफ एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स। एक जो किसान है वो 40 एकड़ ज़मीन को हल चलाता है 16 घंटे में। हाउ मैनी एकर्स विल ही प्लफ इन 36 आवर्स। तो अब देखेंगे, यहाँ पे 16 आवर्स हैं, वो कहता है कि वो 36 आवर्स में कितने एरिए के खेतों को हल चला सकेगा। तो देखें, 16 आवर्स के बजाय अब आवर्स कितने हो गए हैं, टाइम 16 आवर्स के बजाय 36 आवर। देखिए क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है, 16 घंटे में अगर वो 40 एकड़ ज़मीन को हल चलाता है तो 36 घंटों में वो ज़्यादा एरिए के खेतों को हल चला सकेगा, ठीक है। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो ऐसे में भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। एरिया कितना है, 40 एकर्स, और 40 एकर्स जो है वो कितने घंटे में हो जाएगा, 16 आवर्स में। और अब हमारे पास कितने आवर हो गए हैं, 36 आवर हो गए हैं, और ये हमने फाइंड करना है कि कितने एकड़ वो इसको हल चला पाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम दोनों सा एरो जो हैं वो ऊपर को लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिधर एरो का हेड है उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को ऊपर लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जिधर वैल्यू का हेड है उसको हम नीचे लिख देंगे और दूसरी वैल्यू को ऊपर लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 16 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 को 36 से। तो 16 को x से मल्टीप्लाई किया, 16x, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 36 ओवर 16। तो ये देखें, दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी ये दोनों वैल्यूज़, 4 4 टाइम 16 और 4 9 टाइम 36 है, और 4 1 टाइम 4 और 4 10 टाइम 40। तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9 और 10 9 टाइम क्या हो जाएगा, 90 एकड़, ठीक हो गया। तो अगर वो 16 आवर में 40 एकड़ ज़मीन को प्लफ करता है, हल चलाता है, तो 36 आवर्स में वो 96 एकड़ ज़मीन को हल चला सकेगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर नाइन है, अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेस इन वन आवर। वन आवर मीन 60 मिनट, इसको हम मिनट्स में ले जाएंगे। एक डिश वॉशर जो है वो 1350 डिशेस को एक घंटे के अंदर साफ करता है, क्लीन करता है, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में वो 1350 डिशेस साफ कर देता है। हाउ मैनी डिशेस विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स। वो कहता है कि वो कितनी मजीद डिशेस को साफ कर लेगा अगर 16 मोर मिनट्स उसे दे दिए जाएं। यानी कि पहले 1 आवर है, तो 60 मिनट में अगर हम मोर मिनट्स 16 मोर मिनट्स हो जाएंगे 16 मोर मिनट्स देख लेते हैं कितना टाइम हो जाएगा
16 मोर मिनट्स, पहले कितने मिनट्स हैं हमारे पास 60, और इसमें 16 मोर मिनट्स ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिशेस वो कितनी साफ करता है 1350, और कितना टाइम उसे लगता है 60 मिनट। और अब हमने ये फाइंड करना है वो कितनी डिशेस साफ करता है, और अब टाइम कितना है 16 मोर मिनट्स, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट में ये 16 मोर मिनट ऐड किए तो कितना हो गया 76, ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि अगर 1350 डिशेस वो 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में वो दो देता है, साफ कर लेता है, तो 76 मिनट में वो कितनी डिशेस साफ़ करेगा। तो देखेंगे टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वक्त में वो ज़्यादा डिशेस क्लीन कर पाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जिधर वैल्यू इसका हेड है एरो का, उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे, एक्स को ऊपर लिखेंगे। इस तरह एरो का हेड जो है वो 60 की जानेब है, तो 60 नीचे आएगा और 76 ऊपर आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 60 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60x, और 1350 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 76 के साथ। ये इधर 60 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1350 मल्टीप्लाई 76 ओवर 60। तो ये देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास 6 है और 76 है, तो 76 और 6 हम 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 2 3 times 6, और 2 3 times 6 1 कैरी आगे हुआ, 2 8 times 16, ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये हमारा 135 जो है 3 के टेबल में क्या आता है, चेक करते हैं 135 को 3 के टेबल से, 3 3 times 3 4 times 12, तो 3 से 2 माइनस किया 115, 3 5 times 15, जी हाँ 3 के टेबल में 135 आ जाएगा, किसके साथ 45 के साथ, तो 3 1 times 3 और 3 45 times 135, तो क्या नंबर्स हैं हमारे पास रिमेनिंग 45 और 38, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई 38 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 45 मल्टीप्लाई 38, 8 5 times 40, 0 4 carry, 8 4 times 32 और 4 कैरी ऐड करेंगे तो 36, और 3 5 times 15, 5 1 carry, 3 4 times 12 और 1 13. अब इनको प्लस कर लेते हैं, 0 6 plus 5 11, 1 1 carry, 3 4 और 3 7, और ये आ जाएगा 1. तो इस तरह से 1710 डिशेस को वो साफ़ कर पाएगा, क्लीन कर पाएगा, अगर 76 मिनट हो जाए, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.3 अपने अख्ताम को पहुंची। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ जुड़े रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।